आप सबको नमस्कार। आइटम्स हम पढ़ रहे हैं, कल हमने कुछ आइटम्स करी थी और आज भी हम कुछ आइटम्स करेंगे, और जो कल वाली थी उनको हम रिवाइज भी कर रहे हैं। सबसे पहली जो कहावत है हमारे पास, वो कहावत है अबंडन ऑल होप। अबंडन का मतलब मैंने कल आपको बताया था, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग कर देना। तो अबंडन ऑल होप का मतलब होता है कि आपने जो अपनी सारी की सारी जो होप है उसको ख़त्म कर दिया है। अबंडनशिप का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस छोड़कर चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अबंडन होप। एबरेंट का मैंने आपको कल मतलब बताया था, जो अब नॉर्मल होता है, जो डेविएशन होती है जिस व्यक्ति के अंदर, उसे एबरेंट बोलते हैं। और एबरेंट बिहेवियर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अब नॉर्मली बिहेव करता है। अबाइड बाय द रूल्स कहावत का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना। फिर मैंने आपको एब्जेक्ट का मतलब बताया था, एब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है अपने फेलियर से, उसे एब्जेक्ट कहते हैं। और एब्जेक्ट डिसपियर का मतलब जो होता है आइडम का, वो होता है टोटल एंड अटर होपलेसनेस, दे कुड नॉट बी वर्स। एबल एंड रेडी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम को करने के लिए रेडी है, हेल्दी है, वो कैपेबल है किसी भी काम को करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एबल बॉडीड। एबल बॉडीड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा है और वो हैवी काम कर सकता है, उसे बोलते हैं एबल बॉडीड। एबमोनिमल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा इमोरल एक्शंस करता है, उसे बोलते हैं एबोरेटिव एक्शन। एबोरेटिव एक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसे एक्शंस लेना जो आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम से बचा लें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एबोरेटिव एक्शन। अबाउट फेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता कुछ हो रहा है और करता कुछ हो रहा है, उसे बोलते हैं अबाउट फेस। आगे बढ़ते हैं अबव ऑल एल्स। अबव ऑल एल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रखना, बिल्कुल टॉप पे उसको रखना किसी भी काम को। अबव बोर्ड का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना। अबव माय हेड का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाती है, परे हो जाती है, उसे बोलते हैं अबव माय हेड। अब्रेसिव टोन का मतलब क्या होता है, अब्रेसिव टोन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करता है और आपको नर्वस कर देता है, उसे बोलते हैं अब्रेसिव टोन। अब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन, इसका मतलब होता है बिल्कुल अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना। एब्सेंस मेक्स द हर्ट ग्रो फॉन्डर, इसका मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति से दूर रहते हो तो उसके लिए जो लगाव होता है आपका इंक्रीज करता है। एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो अनफोकस्ड है, अपनी चीज़ों को भूल जाता है, फोकस नहीं है, उसे बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड। और एब्सोल्यूट एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है बिल्कुल ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, ठीक है जी। एब्सोल्यूटली फंटेस्टिक का मतलब होता है आपकी सोच से परे कोई चीज़ हो जाना। एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि कोई आप काम कर ही नहीं सकते हो। और एब्सोल्यूटली नॉट का मतलब होता है जब किसी चीज़ को आप बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं नई कहावतें हैं, सबसे पहली कहावत है अब्सॉल्व्ड फ्रॉम। अब्सॉल्व्ड फ्रॉम का मतलब ये होता है जब आपको किसी भी जो आप पे आरोप लगे हैं उसे जब आपको बरी कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं अब्सॉल्व्ड फ्रॉम। एक तो ये आपको कहावत भी पता होनी चाहिए और दूसरा आपको इसका प्रेपोजिशंस भी आनी चाहिए। अब्सॉर्ब्ड इन थॉट, देखिए बहुत अच्छा शब्द है, देखिए व्यक्ति कितना सोच रहा है। ऑब्जर्व्ड इन थॉट्स मतलब अपने ही थॉट्स में डूबे रहना। पेंसिव बहुत अच्छा शब्द है, पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है बहुत डीप में जाके सोचना, उसे बोलते हैं अब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स मतलब गुम हो जाना अपने थॉट्स के अंदर। अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम आप प्रपोजिशन के तौर पे पढ़ सकते हो और आइटम के तौर पे पढ़ सकते हो, कैसा व्यक्ति जो चीज़ों को लेने से मना करता है, जैसे जो टीटो टोलर होते हैं वो शराब नहीं पीते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, मना करना, उसे बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम। जैसे यू आर अब्सटेन फ्रॉम जंक फूड, यू आर अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, एनीथिंग जिसको आप रेजिस्ट करते हैं उसे बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम। अब्यूसिव ऑफ प्रिविलेजेस, देखिए इस फोटो को ध्यान से देखिए, दो बंदे खड़े हुए हैं और वो बहुत नाराज़ हैं, कह रहे हैं हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है और वो आपस में काम कर रहे हैं,
तो अब्यूसिव ऑफ प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने राइट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, नेपोटिज्म करता है, रेड टेपिज्म को बढ़ावा देता है, उसे बोलते हैं अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस। असीट टू प्रेशर, असीट टू प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी के लिए किसी काम को करता है उसे बोलते हैं असीट टू प्रेशर। एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, ये कहावत काफ़ी अच्छी है, एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, इसका मतलब होता है किसी काम को ज़बरदस्ती करना। जैसे फुटबॉलर उसको जानबूझ के गिराया, तो वो उसको पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नहीं भैया एक्सीडेंटली ऑन पर्पस था, मतलब ये आपने पर्पस पे जानबूझ कर मुझे गिराया है। एस एन एग्ज़ाम, एस एन एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि भैया 3 घंटे का एग्ज़ाम था, आपने 2 घंटे में कर दिया, मतलब क्या, किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर देना। एस अप योर स्लीव, एस अप योर स्लीव्स कहावत का मतलब क्या होता है, देखिए बादशाह मूवी चल रही है तो उसमें क्या होता है, जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो वो चश्मा लगाता है, आपने देखा होगा उस सीन के अंदर, वो जुआ जीत जाता है फिर, ठीक है। तो एस अप योर स्लीव का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई ट्रिक है, आपके पास कोई प्लान है, ठीक है, जो आपने छुपा के रखा हुआ है, तो उसे बोलते हैं एस अप योर स्लीव्स। एक्टिंग अप का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा बिहेव करना, नॉटी बिहेव करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कहीं शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वो एक्टिंग अप करना चालू कर देते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, देखो कैसे मैंने फ़ोटो भी डाली हुई है। अच्छा, एडमेंट ओपिनियन का मतलब क्या होता है, एडमेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़िद्दी होता है, जो अपनी बात का अड़ियल होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, अब्सटेन होता है, तो एडमेंट ओपिनियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को मानने से मना कर दे। एड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालने का काम करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, आपको चोट लग गई और ऊपर से नमक डाल रहे हैं तो मज़े ले रहे हैं आपसे, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, उसके बाद उसको और परेशान करना, ठीक है, जैसे देखो बच्चा है फेल हो गया, उसको बाकी सब लोग टीज कर रहे हैं। एडल ब्रेंड, एडल ब्रेंड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्टुपिड, कन्फ्यूज्ड, मडल हेडेड, तो मडल हेडेड हमने पहले भी कहावत पढ़ी थी, उसमें भी ये था कि वो स्टुपिड है। एड लिप का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, मतलब जैसे देखिए आपने देखा होगा राहुल गांधी के बारे में, दिस मॉर्निंग आई वेक अप एट द नाइट, मतलब इस सुबह मैं रात को उठ गया था, तो एड लिप का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जब कोई भी प्रेजेंटेशन देता है और वो बिना किसी तैयारी के देता है, उसे बोलते हैं एड लिप। आगे बढ़ते हैं एडमिट डिफीट, कभी भी कोई व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार कर लेता है उसे बोलते हैं एडमिट डिफीट। एडमोनिश का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वार्निंग देना, रेप्रिमेंड करना, तो एडमोनिश समवन का मतलब क्या होता है, किसी को आप जब बहुत ज़्यादा डांटते हैं, रेप्रिमेंड करते हैं। एड्रेनल रश, देखिए एड्रेनल हमारे हार्मोन होता है, जैसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, तो एड्रेनल रश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल एक हाईली एक एनर्जी प्रोवाइड करवा देना, उसे बोलते हैं एड्रेनल रश। और एडवांस इन ईयर का मतलब क्या होता है, बूढ़ा होते जाना, जैसे आपका बर्थडे आया तो हम ये बोल सकते हैं एडवांस्ड इन ईयर्स, इट मींस आप ओल्ड हो गए हैं। अफ्रेड और योर ओन शेडो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी परछाई से डरता है, तो बहुत ज़्यादा टिमिड है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर, जब पार्टी ओवर हो जाती है तो एक बंदा बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर, मतलब जैसे हनी सिंह की मैंने फोटो लगाई, जब उनकी पूरी पार्टी खत्म हो गई, उनका पूरा कैरियर खत्म हो गया, तो उनको कितनी प्रॉब्लम आई होगी। अगेंस्ट ऑल ओड्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी वो व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़कर किसी चीज़ को पाता है उसे बोलते हैं। चलो देखिए अब जो है ये कहावत है, ये इतनी सारी कहावतें हैं, 11 कहावतें हैं, आइटम्स हैं, इन सब का मतलब एक ही है, डाउट एंड अनसर्टेनिटी, मतलब कि किसी भी चीज़ में जब आपको डाउट होगा, अनसर्टेनिटी होगा, तो ये वाली आइटम्स का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहली आइटम है ऑल बैट्स आर ऑफ, सारे के सारे बैट्स चले गए हैं, तो आप जब आपको पता तो नहीं है, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपको पता तो है नहीं, तो यू आर डाउटफुल कि हाँ क्या बैट्स उड़ गए कि नहीं उड़ गए। अगली कहावत है अ डाउटिंग थॉमस, अ डाउटिंग थॉमस क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ के ऊपर सस्पिशन करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डाउटिंग थॉमस। तो पहले आपने कहावत क्या पढ़ी, ऑल बैट्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, अनसर्टेन होना, डाउटफुल होना, ठीक है। आ डाउटिंग थॉमस क्या होता है, ये भी एक यही होती है कि भैया किसी चीज़ को डाउट करना। आगे बढ़ते हैं अनलाइकली स्टोरी, अनलाइकली स्टोरी का मतलब क्या है, मिलती जुलती स्टोरी आप सुना रहे हो लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, मतलब यू आर कन्फ्यूज, मतलब यू आर अनसर्टेन, मतलब यू आर डाउटफुल, ठीक है। इन ए पिग्स आई, इन ए पिग आई, अब इन ए पिग आई को हम याद कैसे करें, सुअर की आंख में डाउट है, ऐसे पढ़ लो, ठीक है, तो सुअर की आंख में डाउट है, इन पिग्स आई मतलब कि डाउट है।
पुल द अदर वन, पुल द अदर वन का कहावत का मतलब भी ये होता है डाउट में रहना, किसी से सवाल पूछना, ठीक है। अगला है स्ट्रेन एट गेंट, तो इस कहावत का मतलब यही होता है डाउटफुल ही रहना। डोंट बेट ऑन इट, ठीक है, इसका मतलब होता है सस्पिशन रखना। इट विल बी फ्रॉस्टी फ्राइडे इन जुलाई, ठीक है, इसका मतलब होता है अनसर्टेन, क्या जुलाई के महीने में कभी बर्फ़ पड़ी है क्या, नहीं ना, तो यू आर अनसर्टेन ना, कि किसी ऐसे चीज़ को बोलना कि जो अनसर्टेन है, डाउटफुल है। किसी ने आपको बोला कि भैया इट विल बी अ फ्रॉस्टी फ्राइडे इन जुलाई, तो आप कभी मानोगे, जुलाई में तो एकदम बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो हम नहीं मान सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इट विल बी अ फ्रॉस्टी फ्राइडे इन जुलाई। टेल दैट टू द मरीन्स, ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है पिक्स माइट फ्लाई, क्या कभी सुपर उड़ सकता है, नहीं ना, तो पिक्स माइट फ्लाई प्लस इन ए पिक्स आई, दोनों कहावत का मतलब होता है डाउटफुल अनसर्टेन। आप डाउट करो क्या करो, किसी ने बोला कि पिक उड़ गया है तो आप क्या मानोगे, नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउटफुल। टेक समथिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ये कहावत एसएससी में बहुत बार आई है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सस्पिशन रखना, लाइक ए डाउटिंग थॉमस, हर चीज़ के अंदर पूछना, अच्छा ये कैसे, ये कैसे, अच्छा डाउटफुल हो जाना, उसे कहते हैं। अगली कहावत है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, अब ये जितनी भी कहावतें हैं सारी की सारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर, जैसे कि पास द बटन, अपनी ड्यूटी को ट्रांसफ़र कर देना, किसी और को दे देना, पास द बक, इसका मतलब यही होता है कि ड्यूटी को ट्रांसफ़र कर देना। फुट लूज एंड फैंसी फ्री, मतलब अपनी ड्यूटी से बरी हो जाना। बी ऑन समवंस ओन हेड, मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना, कि किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप पर्सन। बी लेफ्ट होल्डिंग द बेबी, मतलब अपनी ड्यूटी से हट जाना। बी समवंस पिजन, मतलब किसी की रखवाली करना। होल्ड द सैक, मतलब जॉब पे बने रहना, ड्यूटी परफॉर्म करते रहना। द बक स्टॉप्स हेयर, मतलब कि यहाँ पर आकर ड्यूटी आपकी स्टॉप हो जाएगी। कैरी द कैन, मतलब आपने किसी चीज़ को जीत लिया है, आपने कुछ अचीव कर लिया है, अपनी ड्यूटी में आप सक्सेसफुल हो गए हो। लेट जॉर्ज डू इट, किसी को बोलना, किसी काम को करने के लिए अनुमति देना। होल्ड द फोर्ट, मतलब कि गार्ड करना किसी चीज़ को, अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उस चीज़ को एडमेंटली रोक के रखने के लिए। होल्ड द हुक फोर, इसका मतलब होता है किसी बात के लिए जवाबदेही रहना। ऑन योर प्लेट, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ही है जिम्मेदारी इस चीज़ को करने की। वॉच योर हैंड ऑफ, मतलब अपनी ड्यूटियों से बरी हो जाना। तो ये कहावत है, हमने कहावत पढ़ ली है, नेक्स्ट टाइम इसका हम टेस्ट ले लेंगे। थैंक यू।